सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं मुआज और आप देख रहे हैं शरीफ बोलते। सो सब कुछ छोड़ो, पहले मैं बोलता हूँ। ओके, गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, क्यों निकल रहा हूँ, किस लिए निकल रहा हूँ, अभी क्यों निकल रहा हूँ, कहीं के लिए निकल रहा हूँ, कब निकल रहा हूँ, सब बोलता हूँ। पहले ये सुनो, अभी मैं जा रहा हूँ फैयाज मास्टर के क्लब को, जो कि हमारा MMA क्लब है। ये मैं पहुँचा क्लब को, ये क्लब आने से पहले मैं गया था अतीक मास्टर करने, नाश्ता करने एक्चुअली। तो क्लब पे सब पूरे मेंबर्स मिलके सबकने गाड़ियाँ नहीं थे। मेरे पास थी गाड़ी, ये सामने नूर है, नूर कने थी, सामने मास्टर है, मास्टर कन थी, पीछे मास्टर के भाई है, उनकन थी। सो सामने मास्टर एग्जिट पे तिग्गी मार रहे, सामने मास्टर है, बीच में ओसामा है, उसके पीछे ओसामा के पीछे निज़ाम नाजिम मास्टर है। अब नाजिम मास्टर के, अब ये फैयाज मास्टर की गाड़ी के पास मैं हूँ, मेरे पीछे अब्दुल है, अब्दुल ब्लॉक शूट कर रहा, वो तरफ नूर है, नूर एक्सट्रीम हाई लेवल किराक इंसान है। अब चौकी मार के लेके जा रहा बेचारा एक्टिवा पे। अभी हम लोग जा रहे हैं यूसुफ गुड़ा स्टेडियम में। क्या है बोलते, मेरा और अब्दुल का ग्रैपलिंग का टूर्नामेंट है, राइट। अब्दुल का किक बॉक्सिंग का भी एक्चुअली। ये हम लोग किराक एंट्री मारे यूसुफ गुड़ा स्टेडियम में। यूसुफ गुड़ा स्टेडियम में क्या है बोलते, S9 क्लासिक इंडिया फिटनेस एक्सपो, बहुत लंबा नाम है, लाइट ले लो नाम को, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या क्या है बोलते, जिम का बॉडी बिल्डर्स का वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन है, कराटे स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिशन, किक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, ग्रैपलिंग कॉम्पिटिशन। अभी मैं यूसुफ गुड़ा स्टेडियम में आ गया, ये नूर वीडियो शूट कर रहा, मैं आगे हूँ, नूर को बोला मैं आगे तक वीडियो लो, बोलते बीच में रुक जा। तो मैं क्या करा, ये छोटा सा शॉट ले लिया ताकि लोग आने से पहले स्टेडियम कैसा दिखता वो बता दूँ। अभी शॉट लिए बाद मैं अब्दुल और अतीक मास्टर, जो कि हमारे MMA मास्टर है, हम ना क्या करें, ग्रैपलिंग की प्रैक्टिस करने अंदर मैट्स करने गए। मेरी उतनी वीडियो नहीं है, अब्दुल की लिया, बिकॉज मैं इस वीडियो ले रहा था। तो आप ना ये वीडियो एंजॉय करो, मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। खत्म नूर। ओके, तो सुनो, अब जो अभी पटकी दिए ना, उसको सिर्फ पटकी नहीं बोलते, उसको ऐसा ग्रैपलिंग की जबान में मतलब ऐसा कुआं दिखना बोलते, ओगोशी बोलते, ओगोशी डाल दिया पट्टा ऐसा बोलते। अब यहाँ पे अब्दुल वो ही कर रहा हरकत, हम ओगोशी एंड ग्रैपलिंग के मूव्स प्रैक्टिस कर रहा, मैं भी कर लिया। एंड ये सब करे बाद हम लोग बाहर गए, क्यों बोलते, बाहर गाने सब की आवाज़ आ रही थी, स्क्रीन लग गया था, सब लग गया था। तो एक शॉट लेंगे बोल के ऐसा बाहर आया, बाहर आया तो यहाँ पे स्क्रीन लग गया। एक्चुअली स्क्रीन चिंचन देखने नहीं है, ये स्क्रीन है बॉडी बिल्डिंग शो के लिए। फिर उसके बाद असेंबली के जैसा बच्चों को खड़ा दिए, यहाँ असेंबली करा रहे जैसा दिख रहा था, स्कूल में कैसी कराते थे किराक असेंबली, खतरनाक दिखता था, नफरत थी वो टाइम, वो नफरत मोहब्बत में बदलना बोल तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब नफरत है मेरे को उससे असेंबली से। फिर यहाँ पे स्कूल को बेचारे बच्चों को ऐसा खड़ा दिए। फिर उसके बाद हमारे फैयाज मास्टर का ट्रिपल लॉन्चक शो हुआ, वो देखो, फिर मिलता हूँ, हम लड़ा रहा हूँ, फिर ऐसी बकबक करता हूँ आगे, अभी खामोश बैठो, राइट। तो मैं आ गया ऑफिस बक बक करने, सब छोड़ो, पहले मैं बोलता हूँ, हम लोगों को सीधा आया अतीक मास्टर को घर। अतीक मास्टर सडन गायब हो गए थे और उन्होंने बुलाए एक सीक्रेट जगह, ये देखो अपना सीक्रेट जगह क्या थी। ओ भाई माशाल्लाह, क्या मत आएंगी माशाल्लाह।
एंड ये थी वो सीक्रेट जगह। हम लोग के लिए तो बहुत स्पेशल है, आप लोग का नहीं मालूम, मेरे लिए और अब्दुल के लिए तो बहुत स्पेशल है। यहाँ पे मैं और अब्दुल थोड़ी देर प्रैक्टिस करे एंड थोड़े शॉर्ट्स लिए, फिर उसके बाद निकल गए थे। फिलहाल ये है आयरन थ्रेड अरीना, जो कि यूसुफ गुड़ा से थोड़ा आगे है, या फिर यूसुफ गुड़ा पे था आई थिंक। सो सडन मास्टर कॉल करके बोले पिलर नंबर, ये वाले पिलर नंबर करने आओ, यहाँ पे ये है तो जल्दी आ जाओ बोल के बोले। तो मैं और अब्दुल गाड़ी निकाले और जल्दी फटाफट वहाँ भागे। एंड ये वहाँ पे ये हेवन था, एंड यहाँ पे टायर्स ये सब थे। एंड मास्टर बोले ये जो टायर अब्दुल खेल रहा ट्रैक्टर का टायर, ये मिनिमम या मैक्सिमम, आई थिंक सो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कोई अल्फाज यूज़ करे उन्होंने, 1 लाख का तो होंगे इस बोले आराम से। तो आई वॉज लाइक हाँ क्या बोल रहे हो मास्टर बोल के बोला। सो यहाँ पे हमने थोड़ी प्रैक्टिस करे ये अब्दुल था। फिर उसके बाद हमने वापस यूसुफ गुड़ा स्टेडियम चले गए। यूसुफ गुड़ा स्टेडियम गए बाद हम लोगों को मालूम चला कि बॉक्सिंग का रिंग खुल गया, तो हम लोग चले गए वहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने। अब ये बॉक्सिंग के शॉर्ट्स आप लाइन एंजॉय करो। राइट बाय, मैं फिर आता बक बक करने, बी रेडी बाय। रेड कॉर्नर अब्दुल मुखीद, ब्लू कॉर्नर अब्दुल रजाक हसन, कम ऑन, रेडी फाइटर, फाइटर रेडी फाइट। चेयर अंदर खींच लो, चेयर अंदर खींच लो। टैग टीम मैच खेलेंगे। अरे रुको रुको, कौन सा करो जी, फ्रेंडली करो, जोश में आके रहो, किक्स नको करो, ओनली बॉक्सिंग करो। फेस गार्ड कौन से, निकलो हसन वहां से, ऐसा खड़ रहे कहीं को तुम। एंड यहाँ पे मैच क्यों कर रहे, फिर आया मेरा और अब्दुल का मैच। मैं सुबह से भूखा था इसलिए उतना खास नहीं खेला, तो ये ना को बोलो पिट गया मैं। मास्टर ने थोड़ा सिखाई भी, मैंने उतरा था किक बॉक्सिंग में, अब्दुल उतर रहा था तो उसकी प्रैक्टिस थी। ये अब्दुल है, हम लोग मैच स्टार्ट करते हैं, अपना मैच एंजॉय करो। ये टैप करे बाद मैं अंदर आ गया। फाइट, नो किक्स, खाली लाइट्स पार, ओनली लाइट्स पार, ओके। फेस गार्ड, गार्ड योर फेस प्रॉपरली, नहीं नहीं वैसा नहीं झुकना, वहां झुकना नहीं वैसा, फेस करो, नाइस, सुकून से सुकून से, गार्ड योर फेस, अरे काम आ रहा बंदे ने, ये पागल हो गया, प्रॉपरली स्लोली 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 भाई। सुकून से सुकून से, पावर पंचेस आते स्मैश, निकलो क्लिंच में से निकलो, वहां सामने देखो, फेस करो, फेस करो वहां। एंड यहाँ पे मेरा पूरा स्टमक एम्प्टी था इसलिए उतना खास नहीं खेल सका। एंड यहाँ पे अब्दुल जीत गया था मैच। देन उसके बाद फिर से और एक मैच करे, यहाँ पे मैं माउथ गार्ड पेन लिया था, ओके। एक एक पंचेस का हाँ बस उतना जाए, सच जैब यूज करो, खाली कंफ्यूजन में नहीं, जैब इस्तेमाल करना सीखो, कम ऑन, निकलो निकलो, मूवमेंट चालू रखो, मुआज नो क्रॉस, खाली जैब इस्तेमाल करो, क्रॉस कहीं को मारे नहीं मारे ना, क्रॉस मारो, अब जैब मारो ना, मारे जब देखो मारे, राइट फेस गार्ड, वहां लेफ्ट हैंड अप। एंड हम प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, बाहर गए तक बॉडी बिल्डर्स का शो स्टार्ट हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रैपलिंग का कंपटीशन कैंसिल हो गया मेरा, बिकॉज वहाँ ओपोनेंट्स नहीं आए। एंड अब्दुल का किकबॉक्सिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो रहा था, नितिन नाज जो टॉलीवुड के एक्टर है, हीरो है जो भी, उन्होंने आए थे टूर्नामेंट के लिए। एंड अब्दुल का मैच स्टार्ट कराए, एंड अब्दुल का मैच हुआ, आप लोग एंजॉय करो। ये है अब्दुल अपना ब्लू कॉर्नर की तरफ है, सामने का रेड कॉर्नर है, एंड लेट्स वॉच द मैच। आ
आप वहीं पे अपने कोई बात यहाँ पे अब्दुल का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। मैं मेरे को मास्टर बोले कि वहाँ पे खड़ो, अब्दुल को पानी वानी पिलाओ एंड देन फिर मैच स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला। अब्दुल का दो मिनट के दो मैचेस हुए ये फर्स्ट राउंड था। इसके बाद और एक मैच है अभी। अब्दुल को पानी पिला के फेस गार्ड वापस लगा रहा था, फेस गार्ड के अंदर माउथ गार्ड वापस लगा दिया एंड अब्दुल इज़ रेडी। ओपोनेंट रेडी हो रहा था, ओपोनेंट का वेट था एंड देन फाइटर्स रेडी एंड स्टार्ट। सीधा अब्दुल जाके किराक किक्स दिया एंड पंचेस दिया एंड ये जो है ये अतिक मास्टर के सामने रेफरी बन गए थे अतिक मास्टर। बाजू दो पॉइंट्स देने वाले जजेस है, एक बीच में जज है, यहाँ पे अब्दुल खेल रहा एंड यहाँ पे फाइनली सेकंड राउंड भी अब्दुल के हाथ में था एंड अब्दुल सेकंड राउंड भी जीत गया था। बट जो ओपोनेंट था सेकंड राउंड में थोड़ी हरकतें कर रहा था, यहाँ पे होल्डिंग नहीं थी, होल्ड कर लिया था। देखो मास्टर, ये हमारे अतीक मास्टर है, इन्होंने रेफरी बने थे, हमारे मास्टर रेफरी बन गए। फिर उसके बाद ये मैचेस में थोड़े ख़तरनाक प्लेयर आए थे, मतलब तिरवाजी आते ना वैसे प्लेयर्स आए थे ओपोनेंट्स में। ये अब्दुल हमारा खड़े हुआ यहाँ पे, मास्टर उनको एक एडवाइस देने आए थे जल्दी से मैच रोके। जब फैयाज मास्टर एडवाइस दिए बाद चले गए थे एंड अतीक मास्टर सामने थे, वो तरफ ओपोनेंट है। ओपोनेंट को थोड़ा क्या बोलते हेलमेट फेस गार्ड ये सब सेट कर रहे थे। ओपोनेंट वापस आया एंड वापस आए बाद फिर से रेफरी टाइमर चेक करें एंड फाइटर्स रेडी पूछ के फाइट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अब्दुल किक स्टार्ट करे, किक्स देके पंचेस दिए एंड पंचेस दिए बाद यहाँ पे क्या बोलते जो ओपोनेंट है उनको कहाँ की लग गई बोल रहे थे। इन्होंने लगी नहीं थी एक्चुअली, उन्होंने बोल रहे थे क्या है किसी अल्लाह आलम। वहाँ पे रेफरी आके बात करे जो भी है सेट हुआ। फिर उसके बाद वापस उन्होंने उठक बैठक करे बाद वापस मैच में उतर गए। मैच में उतरे बाद यहाँ पे अपना अबू फिर रहा, देखो कैमरा ले लेके मैट के बीच में फिर रहा ओला। यहाँ पे वापस मैच स्टार्ट कर दिए बाद जीत तो अब्दुल की चुनी। मैं बोल दिया आप लोगों को, सस्पेंस पूरा ख़राब कर दिया। मैं आप लोगों को लास्ट में मिलता हूँ सीधा। खुद आगे रखो जो आंदो अंदर आंदो वही दूर रहते ना। तो खुद ज्यादा लगो घुसो मैं और एक बात बताता हूँ, सारे जितने भी एथलीट्स हैं बॉडी बिल्डर हैं, इतने ऑपरेशन से और डिसिप्लिन से हमारा जो भी हम जजमेंट करें भूल गया है, ऐसा बार बार करते रहेंगे सतीश को। एंड यहाँ पे फाइनली फाइट खत्म हो गई। तो बोरिंग पार्ट तो मेरे लिए बोरिंग था बिकॉज मैं देख के बेजार हो गया, एडिटिंग के टाइम एंड फाइट के टाइम देख के बेजार हो गया। एंड यहाँ पे फाइट खत्म हो गई और फाइटर अनाउंस सॉरी विनर अनाउंस हो गया जो कि था अब्दुल। विनर अनाउंस हो गया बाद में उसका फेस गार्ड ये सब निकाल के हटा दिया हमने, मतलब शिन गार्ड से ओपोनेंट से बोरो करे थे। फिर उसके बाद अब्दुल जीते बाद उसको मेडल सॉरी क्या होते हैं हाँ मेडल एंड एक बैग और एक शर्ट दिए, टी शर्ट एंड एक शेकर बॉटल दिए। और अब सब हो गया, पूरा हो गया, सब थके हैं आई एम सॉरी। ये दोनों अल्लाह में गाय के जैसा बैठ के फोटो ले रहे बेचारे, उसमें हमको पैक करके पूरा सामान दे दिए। ये सोहेल है सामने एंड ये थोड़ा और उन लोगों का ही काम था, अल्लाह कर ले रहे थे कि काम सामान निकालना है सब करना। एंड अब घर के लिए निकल रहे हमला। यूसुफगढ़ स्टेडियम पूरा खाली हो गया था, अब पूरा स्टेडियम कैसा हो गया देख लो आपना। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।